भाइयों राम राम। आज मैं इस संसार में कौन सुखी है और कौन दुखी है इसके बारे में बताता हूँ। और ये बात एक छोटी सी कहानी से। एक आदमी किसी गांव को छोड़कर दूसरे गांव में रहने के लिए जाता है। वो घोड़ी पर सवार था। उस गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस बूढ़े आदमी से प्रश्न किया कि मैं इस गांव में रहने बसने के लिए आया हूँ परमानेंट, इस गांव के लोग कैसे हैं। उस बूढ़े आदमी ने बड़े समझदारी से उत्तर दिया और उस घोड़े वाले को कहा के भाई मैं आपको उत्तर बाद में दूंगा, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आपका प्रश्न क्या है? बूढ़े आदमी ने पूछा कि जिस गांव को आप छोड़ के आए हो उस गांव के लोग कैसे थे। उस घोड़े वाले ने पूछा कि इससे आपका क्या प्रयोजन है कि मैं आपका सही उत्तर नहीं दे सकूंगा यदि आप नहीं बताओगे तो। उस बार के आदमी ने घोड़े वाले ने उत्तर दिया कि मैं जिस गांव को छोड़ के आया हूँ उनका नाम भी सुन के मुझे घृणा होती है, यानी बहुत गंदे आदमी थे। अब बूढ़ा आदमी बोलता है कि आप किसी और गांव में जाइए, मेरे गांव के लोग आपके उस गांव से भी ज़्यादा गंदे हैं। अब इसी प्रकार की घटना कुछ दिन के बाद एक बैलगाड़ी में पूरा परिवार आया उसी गांव में रहने के लिए और उस बूढ़े आदमी से वही प्रश्न किया और उस बूढ़े आदमी ने उन लोगों से वही दोबारा से प्रश्न किया कि आप जिस गांव को छोड़ के आए हो उस गांव के लोग कैसे थे। उन्होंने उत्तर दिया कि बहुत अच्छे थे, हमने किसी कारण से उस गांव को छोड़ना पड़ा पर उनकी याद अब भी आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी याद में। अब वो बूढ़ा कहता है कि मेरे गांव में आपका स्वागत है, आपके गांव से भी अच्छे लोग यहाँ हैं। इसको इस कहानी को कहने के लिए समझाने का भाव ये है कि किसी का अच्छा या बुरा होना हमारे अंदर के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। और गांव का मतलब ये संसार है, इस संसार में आए हैं। यदि हमारा अंदर का व्यक्तित्व सही है तो अंदर से खुश रहेंगे और सारा संसार हरा भरा नज़र आएगा, अन्यथा दुखों के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।